के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। कल बारिश की वजह से हम लोग नहीं बता पाए आपको, तो आज बता रहे 29 अगस्त क्यों मनाया जाता है। एक हॉकी के प्लेयर हुए हैं मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और वो इतने बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने भारत को 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया है स्वर्ण पदक, 1928 में, 1932 में और 1936 में। हॉकी का जादूगर उन्हें कहा जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि जर्मनी फाइनल में जा चुका था और इधर से भारत फाइनल में जा चुका था, तो जर्मनी का एक बहुत ही करूर पराशाह हिटलर, हिटलर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो चाहता था कि फाइनल जर्मनी जीते और उसने सारे प्रबंध बहुत अच्छे से किए हुए थे और उससे पहले ही 14 अगस्त को मैच हो रहा था, एक प्रैक्टिस मैच में भारत जर्मनी के हाथों हार चुका, तो सबको लग रहा था कि शायद मैच जर्मनी ही जीतेगा। लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ बारिश के बाद, तो मेजर ध्यानचंद ने वो खेल दिखाया क्योंकि ये कप्तान थे स्टाइल में, 8-1 से जर्मनी को हराया और उस 8 में 6 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किए। ऐसा लग रहा था जैसे कि बॉल जो है उनकी हॉकी से चिपक गई है। उसके बाद सब ने सोचा जब जर्मनी को हरा दिया गेम तो तानाशाह है, हिटलर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन हिटलर तो खेल देखकर कुछ और ही सोच रहा था और वो मेजर से मिलने के लिए इतना उतावला था कि जैसे ही गोल्ड मेडल का जो अवार्ड होता है वो देकर के वो तुरंत मेजर साहब के पास पहुंचा और उनसे हाथ मिलाया और उनको बोला कि आप क्या करते हो। उन्होंने बोला कि मैं फौज में काम करता हूँ। तब हिटलर ने उनको ऑफर किया कि आप भारत को छोड़ के जर्मनी आ जाओ और मैं आपको फील्ड मार्शल बना दूंगा। फील्ड मार्शल एक बहुत बड़ा पद होता है फौज के अंदर, लेकिन हिटलर ने कहा कि नहीं, भारत मेरी मातृभूमि है और मैं हमेशा भारत की तरफ से खेलूंगा। 3 बार गोल्ड जिताया उन्होंने और बाद में 3 दिसंबर 1979 में उनकी डेथ हुई दिल्ली में। उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में और वो एक राजपूत परिवार से। धन्यवाद।